हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो चलिए फिर इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। भरता बनाने के लिए हमने लिए है बड़ी साइज का बैंगन। हमारा बैंगन का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए हम एक ही बैंगन से भरता बनाएंगे। ये हमने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये है टमाटर, 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ती। आगे हम भरता के लिए एक ही बैंगन का यूज करने वाले हैं, इससे 4 लोग आराम से खा सकते हैं। ये अब हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने सरसों तेल को बैंगन के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लिया है, इससे बैंगन को फ्राई करने में बहुत आसानी होगी। अब एक चक्कू के सहारे बैंगन के चारों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घूप दीजिए, इससे हमारा बैंगन अच्छी तरह से पूरा अंदर तक रोस्ट हो जाएगा और बैंगन फटेगा नहीं। गैस को आप लो फ्लेम पर ही रखें, ज़्यादा हाई ना करें। इसको बीच बीच में आप घुमाते रहिए। ये देखिए हमारा बैंगन आधा रोस्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे पलटते रहिए चारों तरफ, जैसे ठीक से रोस्ट हो जाए। इसको रोस्ट करने के टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी टाइप का इसमें से निकलता है, मगर आप घबराइएगा ना। देखिए हमारा बैंगन पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। हमने गैस को भी बंद कर दिया है। अब इसको एक थाली में निकाल के इसका ऊपर का छिलका पूरा निकाल देंगे। चलिए अब हम ऊपर का छप छिलका को निकाल देते हैं। देखिए हमारा बैंगन बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हुआ है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा सरसों तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों। अब हम डालेंगे ग्रीन चिली। बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हम हल्का से फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर में ना आ जाए। देखिए हमारा प्याज हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा कटा हुआ टमाटर। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए हमारा टमाटर और प्याज पूरी तरह से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बैंगन। अब बैंगन को डालने से पहले उसका ऊपर का हिस्सा को काट दें। चलिए अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। हमारा भरता रेडी हो गया है। अब हम इसको थाली में निकाल लेंगे। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।